सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई रेल विकास निगम लिमिटेड को लेकर, जिसे आप लोग आरवीएनएल के नाम से जानते हो। तो रेल विकास में आपने देखा होगा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमें लगभग 2% के करीब जो तेजी है वो स्टॉक में देखने को मिली, काफ़ी अच्छी बात है। और इस शेयर में तेजी आखिरकार क्यों बनी थी? मार्केट में आपने देखा होगा थोड़ा दबाव था, लेकिन ये शेयर है या फिर रेलवे सेक्टर के अदर कंपनियां हैं उनके अंदर हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो आखिरकार परफॉर्मेंस होने के पीछे का रीज़न है इरकॉन इंटरनेशनल और साथ में रेड्स लिमिटेड। ये दो रेलवे सेक्टर की कंपनियां जिनको नवरत्न का जो स्टेटस है वो मिला है, ठीक है, नवरत्न की जो उपाधि है वो उनको मिलते हुए नज़र आई है। और वही उन दो शेयरों में काफ़ी ज़्यादा जो है भी डिमांड रही है, और जिनके चलते उन शेयरों में काफ़ी शानदार तेज़ी बनते हुए नज़र आई थी। और उन्हीं दो शेयरों के चलते हमें जो है भी और स्टॉक्स में भी जो है भी थोड़ा दबाव जो बाइंग प्रेशर है वो आते हुए नज़र आया था। और यही कारण था कि जो रेलवे सेक्टर की कंपनियाँ उनमें तेज़ी बनते हुए नज़र आई थी, ठीक है। तो अब हम जानते हैं भी कल के क्या कुछ मोमेंटम हो सकते हैं। बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो स्टॉक को हाई लेवल से पिक करके बैठे हुए हैं, उनको भी मैंने देखो भाई, आप अगर पैसा लगा रहे हो किसी कंपनी के अंदर, अगर आपको विश्वास है तभी चला करो, ठीक है। अगर आपको जिस कंपनी में विश्वास ही नहीं उसमें कभी पैसा मत लगाया करो भाई, चाहे कोई भी कंपनी क्यों ना हो। अगर आपका विश्वास है, आपको अच्छी लगती है, आपको बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है, उन शेयरों में पैसा लगाना चाहिए। ऐसे नहीं किसी के कहने पर पैसा नहीं लगा, चाहे मैं हो चाहे कोई और आपको जो है एडवाइस दे कि भाई इसमें पैसा लगाइए आपका दुगुना हो जाएगा, तीन गुना हो जाएगा। हाँ, जिस प्रकार से बिजनेस को देखते हुए बिजनेस के बारे में स्टडी करते हो तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए एक बार देख लेते भी, बिजनेस काफ़ी शानदार है, कंपनी के पास एडवांस में काम है, ये तो आपको पता है 60,000 करोड़ के आसपास की इसकी ऑर्डर बुक है, ठीक है। उसके साथ साथ अभी कंपनी ने पीछे भी 4-5 ऑर्डर विन किए थे, लगातार ऑर्डर पर ऑर्डर विन किए थे, जिसका इम्पैक्ट आप लोग देखोगे अभी जो सितंबर क्वार्टर के बाद इसकी ऑर्डर बुक आएगी ना, वहाँ पर देखना कितनी ज़्यादा ऑर्डर बुक और इंक्रीज होगी। इनका जो लक्ष्य है 2024 से 2025 के बीच में अपनी ऑर्डर बुक 1,00,000 करोड़ तक ले जाने का है, 1,00,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य इनका है। तो चलिए एक बार देख लेते भी कल के क्या कुछ मोमेंटम रहेंगे, डाटा वगैरह कैसा है। वॉल्यूम की बात करें 2,88,00,000 करीब वॉल्यूम आई है, और ये शेयर 372% के जो रिटर्न्स हैं वो निकाल कर दे चुका है अपने बाउंड वीक लो से। और ऐसे में और भी ऊपर जाने की संभावना है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता चलेगा स्टॉक, बेस्ट अगर एकदम से भागे ना भाई उसमें गिरावट भी एकदम से बनती है, सभी को पता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं भाई इसका डाटा वगैरह और कल के लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी आरवीएनएल से रिलेटेड जो डाटा वगैरह देखने को मिला वो कैसा, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी 164.90 रुपये, ओपन हुआ गिरावट के साथ, ठीक है, फिर स्टॉक ने लो लगा 163.25 रुपये का। उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में कितनी शानदार तेज़ी बनी, और ये तेज़ी 170 तक पहुँची थी। उसके बाद जो शेयर है वो लास्ट में 168 के आसपास क्लोजिंग लेते नजर आया है। इसमें मार्केट प्राइस के ऊपर एक छोटा सा सेल ऑर्डर है, डिलीवरी पोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा कम उठते हुए नज़र आई है। तो तेज़ी के पीछे का रीज़न आपका क्लियर हुआ होगा ना, अभी किस वजह से तेज़ी बनी थी, कोई न्यूज़ वगैरह तो आई नहीं, लेकिन जो उन दो कंपनियों में डिमांड थी ना उसी वजह से। तो चलिए यहाँ से तो नेगेटिव संकेत मिले भी टोटली नेगेटिव है, चार्ट और देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो नीचे में सपोर्ट क्या है, पहला सपोर्ट 165 रुपये का, सेकंड सपोर्ट 158 का, जो कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट, स्ट्रांगली सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से स्टॉक में फिर से रिकवरी के संकेत थे, जब स्टॉक में फॉल बना उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी ली है, और 171.65 रुपये को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। या फिर इसी लेवल के बीच में स्टॉक जो आपको कंसोलिडेट करते हुए भी नजर आ सकता है, जो कि नीचे में 158 का सपोर्ट और ऊपर में जो इसका रेजिस्टेंस बना 171 रुपये के आसपास, यानी 170 के आसपास ही कंसोलिडेट कर सकता है। और क्वार्टर टू के भी आंकड़े आने वाले हैं, जहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन अगर कंपनी करते हुए नजर आए तो वहां से आप लोग देखोगे और जबरदस्त रैली स्टॉक में बन सकते हैं। इसीलिए अगर जो को भी इंट्राडे वाले हैं या फिर स्विंग ट्रेड वाले हैं या शॉर्ट टर्म वाले हैं, उनके लिए लेवल्स ये बेस्ट रहेंगे आई थिंक। आगे आपकी मर्जी भी, आप क्या करना चाहो, बाय होल्ड सेल, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, जो भी डिसीजन हो आपका खुद का होना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।